जनाब, देश का अन्नदाता किसान जो कई मुसीबतों से लड़ रहा है, जो पूरे देश को खाना देता है लेकिन खुद तो वक्त का खाना नहीं जुटा पाता, ये विडंबना है आज हमारे देश की। आज जमीनी हकीकत जानने, किसान की चिंताएं जानने, परेशानियां जानने हम किसान के बीच हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी, मैं हूं गौतम ठाकुर। अवाम की आवाज़ में आपका स्वागत है। अवाम की आवाज़ के पिछले एपिसोड में हमने बात किया कि समर्थन मूल्य किस कदर जो है वो किसानों की आय बढ़ा पाएगा। सरकार के जो वादे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी आमदनी बढ़ेगी, किसान का जीवन स्तर सुधरेगा। किस कदर जीवन स्तर सुधरेगा जनाब, जब इस तरह किसान की जो खेती है, किसान की जो उपज है, पानी की भेंट चढ़ती जाएगी। वो उपज जो किसान लोन लेता है, कर्ज लेता है, उम्मीदें बांधता है कि उसका परिवार जो है वो सुख से अपना जीवन बिता पाएगा, लेकिन बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से, बारिश की वजह से उसकी जब उपज खराब होती है तो उस पर क्या बीतती है और कई परेशानियां जिनसे वो जूझ रहा है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। आज कुछ किसान हैं हमारे साथ, चलिए जनाब उन किसानों से बात करते हैं, उन किसानों की परेशानियां जानते हैं। जनाब, ये खेती आपकी है? हाँ जी, हमारी है जी। अपनी तो लोन लिया था इसके लिए? लोन तो ले रखा जी, बल्कि इनका बीमा भी कट रहा है जी, कि सरकार बीमा भी काट रही है, बैंक का इनका बीमा भी काट रही है। तो कुछ मिलता है जब अभी डूब गई है सारी फसल आपकी? कुछ नहीं मिलता जी इनका, हमने कुछ नहीं मिलता। तो बीमा किस वजह का काट रहा है जी? जो कहा जो गाँव है ना, 70% किले मरेंगे ना तो उसके बीमा मिलागा आप लोग। मतलब इंतजार करेगी 70% किले मरने का, तब जाके आपको बीमा मिलेगा। हमने भी मिलता नहीं जी बीमा। पर वो किसान जो कर्ज लेकर अपनी खेती कर रहा है वो तो पहले ही मर गया? हाँ बिल्कुल, वो तो मरे मरे थे जी। क्या लगता है किस तरीके से इसका समाधान किया जा सकता है? क्या ये जो पानी भर गया है, जैसे कि इन्होंने कहा कि बीमा नहीं मिलने वाला, लोन आपने लिया हुआ है, तो अभी क्या करेंगे? इसकी पानी की निकासी करवाई जा दो, तब तो बात बनेगी जी। कैसे करवाई जा सकती है? सरकार कराई इसकी पानी की निकासी। तो आपने कुछ तो सोचा होगा कि सरकार को कुछ एप्लीकेशन दी हों, कुछ पत्र दिए हों? एप्लीकेशन दे रखी 20-30 एप्लीकेशन दी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछता ही नहीं। कोई पूछता ही नहीं, तो क्या करेंगे? अभी उपज नहीं है, कैसे कैसे अभी घर का गुजारा चलेगा? गुजारा कुछ जल्दी तो मरने वाला काम है, सड़क पा जाएंगे कटोरा लेकर। तो आपको क्या लगता है कि कुछ तो समाधान सोचा होगा? नहीं, हम कोई समाधान नहीं कर सकते, इससे ऐसी फसल मरेगी। जब तक पानी की निकासी नहीं होगी तो ऐसे ही होता रहेगा। तो कब से ये समस्या आ रही है? काफी सालों से हो रहा है जी ये तो काम। तो तब से लेके अब तक कोई समाधान नहीं? कोई समाधान नहीं हो रहा जी इसका। तो जनाब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक नौजवान हैं, खेती करते हैं आप जी, आपकी उपज है इसमें? हाँ जी। तो क्या लगता है ये समस्या से कैसे निजात मिलेगी? समस्या से पानी आगे जाएगा जी, इधर जैसे पास में नदी पड़ती है, नदी में इसकी निकासी कराई जाए तब तो इसका फायदा है, नहीं तो ये यहीं रहेगा, पानी निकल नहीं सकता। ऐसे नहीं निकलेगा। आप एक नौजवान है जनाब, जब किसानी का ये हालत है, फसल की ये हालत है, आप खेती में आए हैं, आपको क्या लगता है कि जो नौजवान है वो खेती में आएगा, किसानी करेगा? वो नहीं करेगा जी, नहीं करेगा। इसमें कोई फायदा ही नहीं है। तो जनाब, आपको क्या लगता है क्या समाधान एक नौजवान जो है, अगर आप कह रहे हैं कि खेती में नहीं आना चाहता, तो आपको लगता है कि अन्नदाता की कमी होती जाएगी देश में, जो अनाज पैदा करने वाला है वो नहीं रहेगा? होएगी जी, जरूर होएगी, जरूर होएगी। क्या लगता है कि किस तरीके से मुआवजे बढ़ाए जा सकते हैं, जो समस्याएं हैं उससे निजात पाई जा सकती है? मुआवजे से क्या, पहले इसकी निकासी हो। ये गवर्नमेंट मजाक करती है, कभी मुआवजे के नाम पे यहाँ 50 रुपये का चेक आ जाता है, किसी का 70 रुपये का आता है, क्या वो मुआवजा है? एक मजाक ही है जिम्मेदार के साथ। अभी उपज नहीं है तो क्या लगता है कि जो किसानों की उपज हो जाती है, क्या उनकी समस्याओं का समाधान होता है? क्या वो जब मंडियों में जाती है फसल, तो क्या रहता है उनके साथ? अभी वहाँ खरीद भी कदी कहें गिडली ज़्यादा है, उसके वहाँ काट काटते हैं, उससे भी जमींदार को नुकसान होता है। तो अभी क्या लगता है कि सरकार कुछ करे, इससे समाधान हो पाएगा? क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है जी, क्योंकि ये पिछले 10-20 साल से इसकी एप्लीकेशन जारी, डीसी को जारी, डीसी के पास आप 15 दिन पहले भी गए थे, डीसी जी ने बोला कि अगर कोई हल नहीं होगा इसका तो मेरे पास दोबारा आना, दोबारा गए और अब तक भी कोई नहीं आया, ना डीसी आए, ना तहसीलदार, किसी ने आके यहाँ कोई ये नहीं किया, इसका कोई दौरा नहीं किया, कुछ नहीं, कोई चेक नहीं किया। यानी सिर्फ वादे हो रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं कि समाधान मिलेगा, लेकिन समाधान जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। जनाब, क्या लगता है कि आने वाले टाइम में किसानी छोड़ देनी चाहिए? ये तो छूट जाएगी, अपने आप ही छूट जाएगी सर, ये तो अपने आप ही छूट जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके जो आने वाले बच्चे हैं वो किसानी में आएं या कुछ और करें? कुछ और ही करें, इसमें क्या करेंगे जब इसमें ना तो मुनाफा है और ना इस पानी की निकासी हो रही है हमारे यहाँ पे, क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा,
कुछ तो करना पड़ेगा जनाब। हर माँ बाप चाहता है कि उसका जो बेटा है, जो वो करता है व्यवसाय, उसमें जाए। डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, पर एक किसान नहीं चाहता जनाब कि उसका बेटा किसान बने, क्योंकि उसको कुछ मुनाफा नहीं मिलता। लगातार किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। जनाब कितना कर्ज है अभी आप पे? कर्जा तो बहुत है जी, बल्कि कहीं फिर कुड़की भी कर ली इन्होंने, हाँ कुड़की वास्ता भी आई बैंक वाले, भी कुड़की करेंगे हम। करनी थी कुड़की की उन्होंने? नहीं की, वो नहीं दी हमने फिर यहाँ से। हमारे किसान जो किसान नेता है ना, वो सारे इकट्ठे हो गए थे यहाँ। तो आपको क्या लगता है कि कैसे जो कर्ज चढ़ता जा रहा है उसको कैसे चुकाएंगे? कैसे चुकाएंगे? ये पानी देखो आप, पानी पानी है सारी जगह, हम कहाँ से चुकाऊँ? क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई समाधान, कोई समाधान नहीं नज़र आता जनाब, समाधान नहीं नज़र आता है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इनके जो विचार हैं, जो ये चाहते हैं कि कुछ तो समाधान हो जिससे ये मुसीबतें जो हैं वो हल हो। बाढ़ का पानी आया, कर्ज लिया गया ये सोचकर कि जीवन का स्तर सुधरेगा, लेकिन बाढ़ ने, मौसम की मार ने कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी को और नीचे ला कर रख दिया है। आवाम की आवाज़ में आज किसान की समस्या से जुड़ी बात करेंगे जनाब। बात की जाती है समस्या किसान की, यानी कि जब उसके ऊपर आपदाएं आती हैं। ज़रा सोच के देखिए, किसान लड़ता है कि उसकी उपज का उसे मूल्य नहीं मिल रहा है। ज़रा उस किसान के बारे में सोचिए जिसके पास ज़मीन ही ना रही हो। बाढ़ की वजह से या नदियों के द्वारा बहा ले जाए जाने वाले एक, कहा जाए सैलाब जब आता है, जब उसकी फसल बह जाती है, जब उसके पास उसकी खुद की ज़मीन नहीं रहती है, तब उसका क्या हाल होता है। आज हमारे पास कुछ किसान हैं जिनकी पास आज उनकी खुद की ज़मीन तक नहीं रही है। यमुना नदी की बात करें तो उनकी जो खेती है, गन्ने की खेती है, वो बहा ले गई है, और आज उनकी फसलों की जगह पर, उनकी ज़मीन की जगह पर सिर्फ रेत और रेत नज़र आ रही है। जनाब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो खेती है, कितनी खेती थी और कितनी खेती बहा ले गई है? चार किले थे जी मेरे। चार किले थे? हाँ जी। चारों के चारों नदी में बह गए? हाँ जी। तो अभी कुछ नहीं बचा आपके पास? चार किले जमुना में चले गए जी, और कुछ नहीं बचा, और जमीन भी नहीं है। और जमीन नहीं है, अब कमाई का कोई साधन नहीं? कोई साधन नहीं है। बैंक से कर्ज लिया था, कहाँ से दें जी, ले तो रखा, कहाँ से दें? अब कोई राह नहीं नजर आती कि क्या किया जाए। नहीं, बस अंधेरे रह गए। तो अभी कैसे, आपको क्या लगता है कि आगे क्या करेंगे आप? आगे तो मारवा कुछ भी नहीं होता जी, बच्चे नहीं मेरे याद हो रहे, रोटी तो भूखे हैं, बच्चों के पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, कोई कोई रोजगार नहीं आज, कोई रोजगार नहीं ना जी। तो अभी क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कोई उम्मीद है, जो ये सैलाब आया और आपकी जमीन बहा ले गया? सरकार की तरफ से तो उम्मीद है जी, जो कुछ हमारी मदद कर दे, अन्य मारे पल्ला तो कुछ रहा नहीं। तो अब जो कर्ज का बोझ है वो एक सर पे आ गया है? हाँ जी, कर्ज का बोझ सिर पे आ गया जी, वो कहाँ से दें हम जनाब? कर्ज एक ऐसी समस्या है एक किसान के लिए, जो वो लेता ये सोचकर है कि उपज अच्छी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा, लेकिन जब ऐसी आपदा आ जाए, जब ना किसान के पास उसकी उपज रहे, ना उसके पास उसका खेत बचे, तब वो किसान क्या करे, उसका समाधान क्या निकाले? जनाब आपसे जानना चाहूँगा, किसान की आज ज़मीन उसके पास नहीं है, पहले से ही कई परेशानियों का वो शिकार होता जा रहा है जी। क्या लगता है क्या समाधान हो सकता है इसकी? सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम तो यह है जी कि सरकार ने जो है ना, ये माइनिंग डिपार्टमेंट के थ्रू जब से ये रेत निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है ठेकेदारों को, इसके कारण जो है ना, रेत की बहुत अवैध खनन से, अवैध माइनिंग से इतनी गहराई कर दी इस यमुना की, इतनी गहराई कर दी कि आस पास के सारे जितने भी एग्रीकल्चर लैंड थी वो कट कट के इसके बीच में समा गई है, और वो सारी को जो है ना बिल्कुल डैमेज कर दिया है। लगभग 250-300 एकड़ ज़मीन यहाँ की यमुना में समा गई है, और उसका सबसे बड़ा कारण है ये माइनिंग, अवैध माइनिंग। इसमें जो सरकार की हिदायतें होती हैं ठेकेदारों के लिए, भाई इस प्रकार से माइनिंग करनी चाहिए, तो उन्होंने एक नियम का भी पालना नहीं की। उन्होंने दिन रात जेसीबी बिल्कुल 24 घंटे चलाई यमुना में, और इतनी गहरी खुदाइयां करी, अगर किसी ने विरोध करने की कोशिश करी तो बड़ी मुश्किल से जान बचानी पड़ी उसने। इतना बड़ा माफिया गिरोह है, इसने इतना आतंक फैला रखा है यहाँ पे कि इससे सारी दुनिया भयभीत है बहुत बुरी तरह से। ये इलाका तो इतना दहशत में है कि बस इनसे बड़ी मुश्किल से कहीं छुटकारा मिल जाए तो बड़ी गनीमत समझते हैं इस बात के लिए। पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं करता, सब प्रशासन
खनन पुलिस इन्हीं की मदद करते हैं, खनन माफिया की इन्हीं की सुनते हैं, और किसी की कोई सुनवाई नहीं है, 1% भी सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। चाहे सैकड़ों बार जाओ चाहे हज़ार बार जाओ, उसी को धमकाया जाता है, उसी को केस उसके खिलाफ बोलते हैं धमका करने की धमकियाँ दी जाती हैं, भाई तेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करके तो इस जेल में ठोक दिया जाएगा, इस प्रकार की धमकियाँ दी जाती हैं। क्या करें, बिल्कुल मजबूर होकर के बैठे हैं और कोई चारा नहीं है। ऐसी नौबत आ गई है कि बिल्कुल रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं सभी को, और ये नुकसान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कोई इसका समाधान नहीं है। ये देखा आपने कितना कटाव हुआ जमुना में, ये सारा कारण माइनिंग है और कोई मतलब नहीं है किसी बात का, सिर्फ माइनिंग है। 10 साल से कटाव नहीं था बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया चल रहा था काम। अब पिछले 2 साल से माइनिंग के ठेकेदार यहाँ पे आए और उन्होंने जब ये इतना बड़ा आतंक मचाया, इतनी अवैध खनन करी, तो उस अवैध खनन के कारण जो है ना ये सारे इलाके को नुकसान हुआ, बहुत बड़ी बर्बादी की तरफ इन्होंने पहुँचा दिया हमारे को, बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होगी इस इलाके के लिए। जनाब अवैध माइनिंग इसकी एक वजह है कि कैसे यमुना का जो स्तर है वो बढ़ता चला गया, खेत जो है खेत के खेत किसानों के उसमें समा गए। जनाब आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नरेश कुमार है। नरेश जी आपकी भी ज़मीन है इसमें? हमारे भी यहाँ पे 4-5 किले ज़मीन के लगते हैं, और जब से ये माइनिंग का यहाँ पे काम चला हुआ है, यहाँ पे माइनिंग का काम चलने के बावजूद यहाँ पे बहुत ही गहरी खदाई हो जाती है, खदाई होने की वजह से, और जितना भी ये यमुना का बहाव है ये सारा का सारा एक थोड़ गिरता है और ज़मीन में कटाव लगता है, और जिन जमींदारों के यहाँ पे पास पास ज़मीन पड़ती है उनकी ज़मीन सारी की सारी यमुना में गिर गई है, और जिन गरीब लोगों ने सरकार से लोन लिए हुए हैं सरकार उनके ऊपर दबाव पाती है कि कहीं से लोन भरो पैसे भरो, ये लोग कैसे पैसे भरेंगे यहाँ से, या तो सरकार जैसे इनकी ज़मीन यमुना में चली गई इनके लोन माफ़ किए जाए, और यहाँ के जो बच्चे हैं इनको रोज़गार दिया जाए, और जो अवैध खनन चला हुआ है इसको बंद किया जाए यहाँ पर, या जिस प्रकार ज़मीन यमुना में गिर गई, जैसे ज़मींदार की ये ज़मीन है, ज़मीन तो इतना ऊपर है, इतना तो वे ज़मींदार क्या है, जब वे यमुना में चल जाती है तो वो सरकार अपना कर पाती है, ये ज़मींदार ऐसा नहीं सोच सकते भी यहाँ से 2 मुट्ठी रेत बिठा ले जाए। हम चाहते हैं सरकार से कि इन जो यहाँ के लोग हैं इनको यहाँ का रेत बेचने की, इनका रोज़गार का कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, और ये जो अवैध खनन है ये बंद किया जाए, बस हम यही चाहते हैं। जनाब किसान जो है आज ये चाहता है कि उसको किसानी से हटकर कुछ और रोज़गार मुहैया करवाया जाए, क्योंकि अब किसानों का मन किसानी से उबता हुआ नज़र आ रहा है। किसान अगर किसानी नहीं करेगा तो आखिर आप तक खाना कैसे पहुंचेगा, आप तक तो वक्त का रोटी पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनाब आपसे मैं जानना चाहूँगा आपकी कितनी खेती यहाँ पर लगती है? हमारे परिवार के साथ 1 एकड़ भूमि थी जो जलमग्न हो गई है, और इस कटाव की वजह से जो रित्त का अवैध खनन रहता इसकी वजह से, चलो खेती के तो अलावा और भी है, बाकी हम तो 1 किलोमीटर सड़क भी नहीं क्रॉस कर सकते बारिश की वजह से, सड़कों पर तो बहुत बुरा हाल हो जा, बाकी जो नहीं बरसात होती तो धूल इतनी उड़ती है कि आदमी निकल नहीं सकता, 2-3 हादसे भी हुए हैं हमारे गाँव में जिसकी वजह से इनकी मतलब जो यह है ना ट्रैफिक चलती है, इसकी वजह से बहुत ट्रैफिक आया। और माफिया आप कह रहे हैं कि इसकी एक वजह है कि आपके जो खेत हैं आज एक बाढ़ की बलि चढ़ गए, लेकिन किसान जो है लगातार उसका स्तर जो है वो गिरता जा रहा है, उसकी आपको क्या वजह है कि किसान जो है देश में नहीं उठ पा रहा है? किसान वो तो और प्रॉब्लम है, किसान तो अपनी उससे किसान तो हमारे यहाँ तो किसान इसकी वजह से परेशान है यमुना नदी के, क्यों इसके जो हमारी बाढ़ आती है तो हमारी फसल को भी नष्ट कर जाती है, ये जमीन फसल क्या सारी जमीन ही मतलब फसल समेत ही खत्म हो जाती है। जनाब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है आज किसान की क्या हालत है देश में? देखिएगा किसान की बहुत जर्जर हालत है, ये हमारा जो राष्ट्र है वो कृषि प्रधान देश है, परंतु यहाँ किसान की हालत जो है वो देखने लायक है। जो आप देख रहे हो बाढ़ प्रभावित यह क्षेत्र है, यहाँ के किसानों की ज़मीन गिर चुकी है, सड़कें जर्जर हालत में हो चुकी हैं, किसी ग्रामीण क्षेत्र को रोज़गार यहाँ नहीं मिला, इसको लेकर के हमने एक जनहित याचिका जो है माननीय उच्च न्यायालय में डाली हुई है, उसमें हमने ग्राउंड लिया है कि भी एक तो ये जो भूमि कटाव से यमुना के अंदर समा गई है भूमि, ये हमने 2017 के दिसंबर माह में डाली थी, और आज तक जो है उसमें सरकार ने अपना जवाब नहीं दिया। सरकार अपना जवाब तब देगी जब ये एरिया नेस्तनाबूत हो जाएगा, क्योंकि सरकार ये चाहती नहीं कि यहाँ के किसान का कोई भला होए। और दूसरा हमने ग्राउंड लिया था कि इतनी भारी संख्या में दिन रात ओवरलोड चल रहा है, अभी हाल ही में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने ओवरलोड वाली वालों वाहनों को फूलों की माला डाल करके अपना रोष प्रकट किया था, हजारों प्रतिदिन हजारों ओवरलोड को माला डाली जाती थी, जब हजारों ओवरलोड को ग्रामीण माला डाल सकते हैं तो क्या वो प्रशासन को नहीं दिखते? हमारे क्षेत्र से हरियाणा ही नहीं भारत के कोने कोने तक रेत जाता है, क्योंकि रेत का हब है, और वो वाहन जलंधर तक जाता है यहाँ से रात को, वो किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं दिखता, और RTA मांग लो हर चौक पे नाका है,
परंतु उसको किसी को नहीं दिखता। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पुलिस वाले रात को पैसे ले रहे थे, औपचारिकता के तौर पर कुछ कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया और एक दो का तबादला कर दिया। तबादला करना और लाइन हाजिर इसका अल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ की जनता को न्याय चाहिए और हमें माननीय न्यायालय पर उम्मीद है कि वहाँ पर कोई जजमेंट ऐसी आएगी कि इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किसान बचेगा अन्यथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किसान नहीं बचेगा। जनाब, जो ज़्यादातर चीज़ें हैं, ज़्यादातर याचिकाएं जो इन्होंने दायर की है, उसका समाधान क्या निकल के आएगा वो तो देखने वाली बात है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें कागज़ों में ही सीमित रह जाती हैं। उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या आखिर उसका समाधान निकल पाएगा, वो देखने वाली बात है। जनाब, हम खड़े हैं यमुना नदी के किनारे, जहाँ कई किसानों की ज़मीन जो है वो पानी के साथ बह गई। वो ज़मीन जिस पर खेती थी, वो ज़मीन जिस पर एक किसान की उम्मीदें खड़ी थी, आज वही ज़मीनें जो हैं वो बह गई हैं। जनाब, मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शिव कुमार है जी। शिव कुमार जी, ज़मीन आपकी भी इसमें बही है? बिल्कुल, मेरी कई एकड़ ज़मीन थी, उसमें मेरी धान की फसल खड़ी हुई थी, और जो सरकार ने ये माइनिंग के ठेके दे रखे हैं, जब से अवैध माइनिंग शुरू हुई तब से जमुना ने अपना रुख बदल लिया और उसकी वजह से कटाव शुरू हो गया, और उससे मेरा डेरा और मेरी ज़मीन सारी की सारी यमुना में बह गई, कटाव में बह गई। और किसी ने, मेरी प्रशासनिक अधिकारी ने या सरकार ने आके ये नहीं पूछा आज तक भी मेरे परिवार की आजीविका कैसे चलेगी, मैं जीऊँगा कैसे, क्योंकि मेरे पास जो है, मैंने बैंकों से जो लोन ले रखा है उन अधिकारियों का बराबर, बैंक वालों का अधिकारियों का बराबर मेरे पास, मेरे ऊपर दबाव है कि आप बैंक के पैसे भरिए। जब मेरे पास अपनी आजीविका चलाने के लिए ही कुछ नहीं रहा तो मेरे पास तो आत्महत्या करने के सिवाय बचा ही कुछ नहीं, क्योंकि देश में आत्महत्याओं का दौर जारी है और सरकार की अगर दमनकारी नीतियां ऐसे जारी रही तो किसान आत्महत्या करने के लिए सरकार मजबूर करती है। किसान कभी नहीं आत्महत्या करना चाहता, वो चाहता है कि मैं खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करूं, क्योंकि जब तक मेरी ज़मीन और मेरी काश्त चल रही थी तो मैं उसी प्रकार बैंक से लेन देन कर रहा था, पैसे भर रहा था। लेकिन आज मेरी ज़मीन जमने में बह गई और आज मेरे परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कैसे मैं परिवार का पालन पोषण करूँगा, कैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, कैसे मैं अपने परिवार के हेल्थ की देखभाल करूँगा और मैं किस प्रकार बैंक का ऋण लौटाऊँगा, मेरे सामने संकट खड़ा हो गया। और सरकार है कि क्यों मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। जनाब, बुनियादी सुविधाएँ जो हैं, पढ़ाई, दवा, खाना पीना, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए किसान काम करता है, जिसके लिए हर कोई काम करता है, लेकिन आज वही समस्या बनकर खड़ी हो गई है कि आखिर कैसे उसका समाधान होगा। चाचा, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी सारी ज़मीन गिर गई है जी, ये फसल की जीरी भी लग रही गिरन, और मक्की गिर गई, सब 8-10 किलो ज़मीन के थे हैं, सब गिर गए हैं। अभी क्या क्या सोच रहे हैं कि क्या करेंगे आगे? अब हमारे सोचते बनता कुछ नहीं, हमें तो मरण ही है, हमारी कोई गवर्नमेंट मदद करेगी तो हल हो जाएगा कुछ। क्या लगता है क्या मदद करेगी सरकार, क्या उम्मीद है आपको? हमारी क्या मदद करेगी, जो भी कर सका अपनी मर्जी से कर सकेगी। आपको क्या लगता है, जो लोन अभी आपके ऊपर है, कर्ज जो आपके ऊपर है? मेरा नाम रमेश चंद है, नगली मोजे में खेती करता हूँ। मेरे हम चार भाई हैं, मेरे पड़ोस में और भी जिम्मेदार हैं बहुत ज़्यादा, उनको इतना नुकसान हुआ 2010 में, 11 में, 13 में नुकसान होया, और बहते बहते मेरे पड़ोसी जितने मेरे गांव के नगली गांव के हैं, ये अपना गुंथला गांव, संधाला गांव, जसाना से लेकर नीचे तक बहुत नुकसान होया जी। और हमारा डेरा एक किले में नहीं था जी, हमारे 25 एकड़ 2013 में बह गया था डेरा भी बिल्कुल सारा ये। और मेरे साथ ही एक किसान था बेचारा, उसके ना उसको फांसी ले ली थी, और कितने आदमी फांसी लेने के लिए तैयार हैं जी, वो वहीं लटक गया था, मेरे भाइयों ने उतारा था जी वो जाके। तो मतलब कैसे करेंगे, हमारे जो ज़मीन के लोन हैं, जो हमारी दिक्कतें कैसे पूरी होंगी जी, हमारी सरकार हमारी मदद क्यों नहीं करती? ये जो घाट खनन होता है, घाट खनन क्यों सरकार पैसा लेती है, वो पैसा कहाँ जा? हम अपना रेत अपने आप खुद क्यों नहीं बेच सकते? क्या हमारे ऐसी कोई स्कीम नहीं होती, ज़मीन अब मालिक की खुद होगी? जैसे जमुना हमारे खेतों से बह रही है तो हम पर्ची अपने आप काटे, कोई हमारा निजी आदमी, जैसे गांव में कोई मौजूद आदमी बैठे, जैसे हमारे प्रधान जी हैं शिव कुमार जी, ये अपने आप संगठित करते हैं, हर आदमी का ख्याल करते हैं, यही लोग हैं जो मतलब हमारी थोड़ी सुनते हैं, जो प्रशासन तक आवाज बचाते हैं, आज हम बड़े खुश हैं। ये समाधान लगता है कि अगर किसी की ज़मीन पर कुछ है तो उसको पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो उसका जिम्मेदार हो, उसको जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कर सकता है। आप एक नौजवान हैं तो आपको क्या लगता है कि अब जो है, जो हालत है हमारे देश की किसानी की, यानी किसान की, तो आपको लगता है आने वाली पीढ़ी जो है वो किसानी में आएगी? नहीं, इस तरह तो नहीं लगता भी किसानी में आगे जो आने वाली पीढ़ी है, युवा हैं, हम हैं, हमारा तो आगे अस्तित्व खत्म है। जब यहाँ अवैध जो खनन है
वो पहुंच से भी अधिक है। जो घाट के ठेके सरकार ने छोड़े हैं उससे मतलब दिन में 8 घंटे चला सकते हैं वो रात को मतलब 16 घंटे एक्स्ट्रा चलाते हैं, तो इसमें 24 घंटे चलाते हैं वो, तो इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो ज़मीनें हैं वो गिर चुकी हैं सारी अवैध खनन के कारण, अधिक खुदाई के कारण। एक अवैध खनन एक समस्या है जो एक किसान, जो यहाँ के किसान हैं उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल पूरे देश के किसान की। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जो हालात बने हैं, क्या एक नौजवान उस हालात को नहीं सुधार सकता? क्या खेती में एक नई क्रांति एक नौजवान नहीं ला सकता? जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं आएगा किसान, तो एक नौजवान के ऊपर दारमदार नहीं है अपनी खेती को सुधारने का? नहीं, वो तो सुधार सकता है, पर लेकिन सरकार को भी साथ देना चाहिए ना उसका। सरकार जब ज़मीन ही नहीं रहेगी हमारे यहाँ एरिया की जो है, तो क्या करेगा उसमें जब रहेगी नहीं किसान? क्या जनाब, सरकार जो है किसान जो है दोनों को एक साथ चलने की ज़रूरत है, दोनों को हाथ मिलाकर एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार अगर किसानों की मदद करेगी तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो उभर कर आएगा। योजनाएं बहुत चलाई जाती हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो योजनाएं कागज़ों में दम तोड़ देती हैं। कुछ तक पहुंचती हैं पर ज़मीनी हकीकत जनाब आपने सुनी कि आखिर एक किसान किस कदर परेशान है, किस कदर उस तक योजनाओं का लाभ पहुँच पाता है या नहीं। लेकिन ज़रूरत है सरकार और किसान को एक साथ चलने की।